सरपंच वीरन वैगा की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सचिव सुरेश बैस ग्राम पंचायत चमरा डोल की तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लालदेव सिंह प्रधानाध्यापक पौड़ी शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय पौड़ी एवं समस्त स्टाफ की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राम नारायण साहू प्रधानाचार्य दिव्याशी पब्लिक स्कूल धनौली एवं समस्त स्टाफ की तरफ से सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सरोज साहू संचालक दिव्याशी पब्लिक स्कूल की तरफ से समस्त देशवासियों को। मैं जितेंद्र कुमार मौर्य ग्राम प्रधान कोना इस गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर पूरे ग्रामवासियों एवं जनपद वासियों और मेरे ब्लॉक पर सभी लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष सहदेवपुर बाजार के शमशेर सिंह चौहान सभी व्यापारियों को व ग्राम पंचायत प्रणिया प्रतिनिधि समस्त ग्राम पंचायत वासियों को गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई दे रहा हूँ। खबर चंदौली से है, जहां नगर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर पंचायत चकिया में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा सुबह से तैयारी जोरों शोरों से की जा रही थी। जब हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा लेकर गांधी पार्क के पास पहुंचे तो पहले से ही वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने यात्रा को रोक दिया और सुरक्षा की दृष्टि से यात्रा को वहीं पर गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर समापन करने की बात कही। लेकिन इस बात को न मानते हुए हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी पार्क चकिया पर ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया और SDM मुर्दाबाद के नारे लगने लगे। यह बात जैसे ही SDM चकिया को पता चली वह पुलिस क्षेत्राधिकारी चकिया के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे और हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तिरंगा यात्रा निकालने पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता बैठे रहे। वह हिंदू युवा वाहिनी के नगर अध्यक्ष द्वारा कहा गया कि पहले तो हमें यात्रा की परमिशन नहीं दिया गया, बाद में दमनकारी नीति अपनाते हुए देश के प्रति आस्था को दबाने का कार्य तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है। जब तक यात्रा पूर्ण रूप से पूरे नगर में भ्रमण करते हुए आकर गांधी पार्क पर ही समाप्त होगी, नहीं तो धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। वहीं जब भाजपा के विधायक शारदा प्रसाद व अन्य नेताओं को यह बात पता चली तो उन लोगों में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में भागते हुए गांधी पार्क चौराहा चकिया पहुंचे और SDM चकिया व पुलिस प्रशासन से बात करके विधायक के द्वारा भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में पूरे नगर में तिरंगा यात्रा को भ्रमण कराया गया। चंदौली से सुजीत तिवारी की रिपोर्ट। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम सारांश केसरी, नगर अध्यक्ष हिंदू वाहिनी चकिया। आज ऐसा क्या कारण हो गया कि विगत वर्षों से जो यात्रा निकाली जा रही थी तिरंगे की, आज आप लोगों को धरने पर बैठना पड़ा? हम लोगों को स्टार्टिंग में तो परमिशन ही नहीं दिया गया और हम लोगों को पूरा घेराव कर लिया गया। प्रशासन के लोगों के द्वारा हम लोगों को एकदम घेराव में रख लिया गया और हम लोगों को तिरंगा तक लेके चलने का हक नहीं दिया गया। जब हम लोगों ने धरना में बैठे, हमारी पूरी टीम चकिया की टीम बैठी धरने पर, तो हमको माननीय SDM साहब के महोदय और माननीय विधायक जी के निर्देश पे, निवेदन पे हम लोगों को परमिशन मिला और हम लोग पूरे नगर में भ्रमण करके यह तानाशाही रवैया किस अधिकारी के द्वारा किया गया आप लोगों के साथ? ये तानाशाही आला अधिकारी जो हमारे नगर चकिया के SDM महोदय और CEO साहब कोतवाल साहब, इन्हीं लोग के द्वारा हम लोगों को तिरंगा यात्रा निकालने से रोका गया। और जब हम लोगों ने धरने में बैठे, हम लोग के माननीय चकिया के सम्मानित लोग हम लोग के साथ जब कंधे से कंधे मिला के बैठने का काम किए, तो माननीय SDM महोदय ने परमिशन देने का काम किया और हम लोग के साथ पूरे जलूस में भी सम्मिलित होने का काम किया। सुबह 8 बजे हम लोग बैठे बैठे हम लोग को 2 बजे परमिशन मुहैया का 2 बजे परमिशन मिला और हम लोग ने पूरा भ्रमण 2 बजे के बाद बिना कुछ खाए पिए हमारे पूरे कार्यकर्ता ने ये कार्यक्रम को संपन्न किया। विधायक जी, आज तिरंगा यात्रा निकाला गया था आपके सानिध्य में, लेकिन उसको रोक कर क्या ऐसा वजह था कि धरने में बैठना पड़ा? आज जो तिरंगा यात्रा अभी निकला है, हमारे नेतृत्व में SDM और हमारे CEO साहब सभी लोग हम लोग, लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि भाई किन कारणों से रुका था, तो ऐसा कोई कारण नहीं था। थोड़ी सी बच्चों की हमारे नासमझी थी और थोड़ी हमारी विभागी थोड़ी सी दिक्कतें थी, तो
को लेकर के हुआ बात में ना बनी समझ में आ रही थी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी जिससे कोई प्रॉब्लम हो। विभागों में दिक्कत का मतलब नहीं समझ में आया विधायक। विभागों में दिक्कत का मतलब ये हुआ कि भाई आप लोग आज जो है ये झंडारोपण करिए, तिरंगा यात्रा मत करिए। उनका सिर्फ यही कहना था गांधी मैदान में ये पार्क में इकट्ठा होकर के आप लोग झंडारोपण करिए और अपनी बात को रखिए, यहाँ पर बढ़िया से आप लोग जो है आज 26 जनवरी को मनाइए। जैसा कि विधायक जी, सरकार भाजपा की है और आपकी है और उसमें तिरंगा यात्रा विगत वर्षों से चकिया में निकाला जा रहा है, लेकिन यह तानाशाही रवैया किस अधिकारी के द्वारा ऐसा किया गया कि नहीं तिरंगा यात्रा नहीं निकाली जाएगी? किसी अधिकारी का इसमें कोई दोष है, न किसी सरकारी अधिकारी से कोई बातचीत हुई है। सिर्फ थोड़ी सी नासमझी की वजह से, मैंने कहा ना कि थोड़ी सी नासमझी की वजह से ये जो हमारे बच्चे उस बात को नहीं समझ पा रहे थे जिसको लेकर के वो थोड़ा सा नाराज।